हर तबका भारतीय जनता पार्टी से परेशान था। भाजपा ने इनको कठपुतली बना के रखा हुआ है। कुर्मी बिरादरी अपने आप को ठगा महसूस करता था। उनको विधानसभा का टिकट दिलाने का काम माननीय मंत्री जी ने किया था। कोई वार्ड नहीं निकली, कुछ नहीं निकली, कितने पद खाली हुए, उनको भरा नहीं गया। गन्ने का सबसे कम दाम बढ़ाया, इसका असर पूरे पूर्वांचल में रहा। तो भाजपा ने लीडर नहीं बनाया कुर्मी का किसी भी नेता को, उन्होंने लोडर बनाया सिर्फ। किसान मजदूर सारा वर्ग इकट्ठा होकर के उनको भारी बहुमत से जिताने का काम किया। इस तरह का झुंझुना वादा किए कि वाकई में इस देश में महंगाई है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। बस्ती जिले में कुर्मियाहट बरकरार है, इसका साफ तौर पर उदाहरण देखने को मिला इस लोकसभा चुनाव में। कहीं ना कहीं एक समाज ने अपने दल के एक बड़े नेता को चुना है, राम प्रसाद चौधरी, जो काफी पुराने नेता और कुर्मियों के अगुआ माने जाते हैं। उनको एक बार जनता ने समर्थन दिया, उनकी बिरादरी ने समर्थन दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि वो लाख एक लाख के ऊपर के वोटों से जीत चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ कुर्मी समाज के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से आप लोगों ने अपनी कुर्मियाहट को बरकरार किया। अब की बार हम लोगों का जो बिखराव होता था चुनाव में, अब की बार बस्ती के कुर्मियों ने और कुर्मियों ने हर वर्ग के लोगों ने मंत्री जी का काफी सहयोग किया और प्रचंड वोटों से जीत दिलाया। क्या रहा इसमें मेन कारण, क्या रहा मेन कारण? यही था कि कुर्मी समाज अब की बार एकजुट हुआ और टूटा नहीं, और मंत्री जी का पूरा सहयोग किया। तो कहीं ना कहीं कुछ आप लोगों को आप ठगा महसूस कर रहे थे इसलिए? जैसे हाँ, हम लोग भाजपा की सरकार में, हमारे जो बड़े लीडर हैं, भाजपा ने इनको कठपुतली बना के रखा हुआ है। और ये एक ओम प्रकाश जी कहते थे कि ये जो लीडर नहीं है लोडर है। तो भाजपा ने लीडर नहीं बनाया कुर्मी का किसी भी नेता को, उन्होंने लोडर बनाया सिर्फ। बस हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जी, क्या नाम है? ब्रजेश पटेल नाम है। क्या आपकी कुर्मियाहट बरकरार रही बस्ती में? क्या देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 2014 में केंद्र में इनकी सरकार बनी। तो जितने भी कुर्मी समाज के नेता रहे वहाँ, इधर 2017 में मैं बस्ती की अगर खास तौर पे बात कर लूँ तो जो कुर्मी समाज के माननीय जी थे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। कुर्मी बिरादरी अपने आप को ठगा महसूस करता था। और आपने देखा होगा 2014-2019 में कुर्मी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिए थे, इसलिए माननीय राम प्रसाद चौधरी जी चुनाव हार गए थे। और जो मौजूदा विधायक थे 2017 में माननीय दयाराम चौधरी जी, उनको काफी कहीं ना कहीं सताने का काम, ठगने का काम मौजूदा सांसद ने किया। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पांच विधायक थे, पांचों विधायकों का शोषण माननीय हरीश द्विवेदी जी करने का काम किए थे। इसलिए अब की बार कुर्मी समाज आप कह सकते हैं 100% एकजुट होकर के, सेंट्रलाइज होकर के माननीय मंत्री जी का मदद करने का काम किया है। क्या कारण रहा इसके पीछे, जो मेन कारण था वो क्या? देखिए, माननीय राम प्रसाद चौधरी जी 7 से 12 मिनिस्टर रहे। उस कार्यकाल को अगर आप उठा के देखेंगे तो राजपूत समाज के लोगों को ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किए थे, तो कहीं ब्राह्मण समाज के लोगों को भी स्थापित करने का काम किए। जब भी उनको मौका मिला, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो चाहे राजपूत समाज हो, उनको विधानसभा का टिकट दिलाने का काम माननीय मंत्री जी ने किया था। तो तमाम सर्व समाज के लोगों ने एक जुटता बना करके माननीय राम प्रसाद चौधरी जी के साथ खड़े हुए। और वही जो आदरणीय दयाशंकर मिश्र जी थे, आप जानते होंगे कि वो लोकसभा के प्रभारी बनाए गए थे बसपा से, तो उनके साथ कहीं ना कहीं ये मौजूदा सांसद ने छल करके उनका टिकट कटाने का काम किए। और वो जब समाजवादी पार्टी में आए तो निश्चित तौर पे ब्राह्मण समाज के लोगों ने भरपूर वोट देने का काम। बस्ती में कुर्मियाहट बरकरार है? बिल्कुल बरकरार है। इससे पहले भी थे तो लोग इधर उधर चले गए थे, अब की एकजुट होकर जो उन्होंने वोट दिया। और खाली कुर्मी ने नहीं, कुर्मी थे, मुसलमान थे, यादव थे, और जो छोटे वर्ग के लोग थे उन्होंने भी जो है, ना हो धोबी कहाँ, सबने जो है थोड़ा थोड़ा वोट दिया। और बिल्कुल एक तरफा जो है समाजवादी की बिल्कुल लहर चल रही थी, हवा चल रही थी, क्योंकि देख ही रहे थे बेरोजगारी जो है, तमाम जो है लड़के जो है डिप्लोमा करके जो है टहल रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ को देखा भी बैठे रिक्शा चला रहे हैं, तमाम काम कर रहे हैं, कोई वांट नहीं निकली, कुछ नहीं निकली, कितने पद खाली हुए, उनको भरा नहीं गया। यही सबसे सिर्फ मंदिर मस्जिद मुद्दा चल रहा था, तो मंदिर मस्जिद से काम थोड़ा होता है। ये देख लिया अयोध्या क्या हश्र हुआ है, पूरे देश में इसका पैगाम गया है। हमारे साथ तो और भी लोग मौजूद है, क्या क्या कारण रहा कि बस्ती में राम प्रसाद चौधरी जी को इतनी बड़ी जीत? बस्ती ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में
जो किसानों की तरफ दी रही, भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के साथ छल किया, 2022 में आमदनी दुगना करने का काम किया, गन्ने का सबसे कम दाम बढ़ाया, इसका असर पूरे पूर्वांचल में रहा। हमारे बस्ती जनपद के गोविंद नगर चीनी मिल जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बंद हो गई, 45 करोड़ रुपया बकाया है किसानों का, मजदूरों का 15 करोड़ रुपया बकाया है, वो भुगतान नहीं हुआ। सबसे ज्यादा गन्ना बोने का काम अगर कोई इस जनपद में करता है तो कुर्मी समाज के लोग करते हैं। सारे लोगों में आक्रोश था, इसलिए सारे किसान मजदूर मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हटाने का काम किया। कुर्मियों के बड़े लीडर माने जाते हैं राम प्रसाद चौधरी जी, तो कहीं ना कहीं समाज ने किस तरीके से उनका सहयोग किया? खाली कुर्मी समाज ने ही नहीं सहयोग किया, हर समाज के लोगों ने सहयोग किया, और हर समाज के लोग इकट्ठा होकर के जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सताए गए थे उनको, उनका उत्पीड़न किया गया था, सारे लोग किसान मजदूर सारा वर्ग इकट्ठा होकर के उनको भारी बहुमत से जिताने का काम किया। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, क्या क्या लगता है कि आपकी कुर्मियाहट बरकरार दिखी? बस्ती में 1 लाख प्लस वोट पाकर माननीय राम प्रसाद चौधरी ने जो जीत हासिल किया है उससे लगता है कि कुर्मी वर्ग नहीं, पूरे छोटे कस्बे के छोटे छोटे वर्ग लोग और किसान और युवा वर्ग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किए हैं, इसलिए बहुमत की जीत हुई है। कहीं ना कहीं कुर्मियों के बड़े लीडर कहे जाते हैं राम प्रसाद चौधरी जी। जी ये सत्य है, इसलिए क्योंकि एक कुर्मी बाहुबल क्षेत्र होने के नाते और कुर्मियों का हमेशा सपोर्ट रहता है मंत्री जी के लिए, इसलिए मंत्री जी का जीत होता रहता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि बस्ती में कुर्मियाहट क्या रहा, क्या देखने को लगा? हर समाज से माननीय मंत्री जी को वोट मिला है, चाहे कुर्मी हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, हर समाज से मिला है। हम राजपूत वर्ग से हैं, हम भी वोट दिए हैं, सपोर्ट दिए हैं, और इसका एग्जाम्पल आप वहाँ कंगना रणावत में देख ही चुके हैं। यही सब है और क्या, भाजपा की नीति यही है। कहीं ना कहीं जो युवा था वो अपने आप को ठगा और बेरोजगार महसूस कर रहा है? जी, युवाओं के साथ तो शोषण हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से सरकार में आए तब से सिर्फ और सिर्फ हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम आपको 15 लाख रुपया देंगे, इस तरह का झुंझुना वादा किए, तो देश के करोड़ों युवाओं ने यह मन बना लिया था कि ऐसे बहुरूपिया सरकार को हटाने की आवश्यकता है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी होती तो निश्चित तौर पे जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि किसानों के लिए बिजली फ्री की जाएगी, सिंचाई फ्री की जाएगी और कृषि यंत्रों पे GST को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसे अनगिनत उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी, पहले ही कैबिनेट में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। और इंडिया गठबंधन के लोगों ने वादा किया कि इस देश से अग्निवीर को समाप्त करने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर देश की करोड़ों जनता ने इस बात को समझा कि वाकई में इस देश में महंगाई है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। हर तबका भारतीय जनता पार्टी से परेशान था, तभी आपने देखा होगा कि हमारे ज्यादा से ज्यादा MP इंडिया गठबंधन के चुनाव जीत करके पार्लियामेंट पहुंचने का काम किया। आगे भी कुर्मी समाज राम प्रसाद जी का सपोर्ट करे? देखिए निश्चित तौर पे, क्योंकि माननीय राम प्रसाद चौधरी जी जो संस्कार लोगों को दिए हैं, कभी भी आपने देखा होगा कि जब वो मिनिस्टर रहे होंगे तो किसी कुर्मी समाज के व्यक्ति ने किसी को न डराया, न सताया, न अपमानित किया। तो हम लोग अपना उनको नेता नहीं, उनको अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि वो हम लोगों के लिए भगवान ही है जो हम लोगों को एक अच्छे रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करने का काम किए। इसलिए कुर्मी वर्ग ही नहीं, हर जाति धर्म के लोग उनको अपना नेता मानते। ये थे हमारे साथ कुर्मी समाज के लोग, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कहीं ना कहीं जो कुर्मी समाज है वो बढ़ के सामने आया और राम प्रसाद चौधरी को समर्थन दिया, जिसका एक नतीजा निकला कि राम प्रसाद चौधरी यहाँ 1 लाख के ऊपर के मतों से जीत कर विजयी हुए। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनुज प्रताप सिंह।